बच्चों देखिए स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और मैकेनिक्स की बात करूं तो रीडिंग ऑफ मोशन, रीडिंग ऑफ मोशन, जितने भी नंबर ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, अगर उसको मोशन के बारे में अगर हम स्टडी करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कहते हैं। ओके, अब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो हमारा पहला चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? इंट्रोडक्शन। तो आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो चांस, प्रोबेबिलिटी को चांस भी कह सकते हैं, अगर ये लेटेस्ट वर्ड में अगर इसे बोले तो हम प्रोबेबिलिटी को हम क्या बोलेंगे, चांस बोलेंगे। तो ये है क्या, द चांस और प्रोबेबिलिटी, द चांस और प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज अ डेली यूज्ड टर्म। ये जो चांस और प्रोबेबिलिटी होती है ये क्या है, डेली लाइफ में ये यूज करते हैं ये टर्म। किसी भी इवेंट का जो चांस है, प्रोबेबिलिटी है, ये हमेशा क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसीलिए हमने लिखा द चांस और प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज अ डेली यूज्ड टर्म। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, अगर मैं कहूँ चांस प्रोबेबिलिटी की बात करूं, पहले बता देता हूं, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आज बारिश होने की कितनी चांसेस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी, बताइए, तो हाफ हाफ की है। या मैं कह दूं अगर चांस आप टुमारो रेनी डे इज 40%, तो ये हम गेस कर रहे हैं, चांस ले रहे हैं। तो इसी यही जो चांस है, जो गेसेस है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। पर मैं ये कहूं अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई पर्सन है, वो कितने साल तक जी सकता है, अगर गेसेस लगाएंगे तो यही कहेंगे कि 100 ईयर्स तक वो क्या कर सकता, जीवित रह सकता, अगर एवरेज की बात करें। तो ये क्या है, चांस है, गेस कर रहे हैं। तो जो गेस है, चांस है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी कुछ और नहीं, वो क्या है, एक चांस है। वही इसको हम लोग लिख देते हैं। The chance or probability of any event of tomorrow, rainy day is 40%, और मैं क्या कह लूं, the least
least chance leaving a person for 100 days. 100 days. मैंने यही बताया ना, तो कल क्या है, रेनी डे है, वो कितना परसेंट है, 40% है, तो ये चांस है. और जो पर्सन है उसको कितने दिन तक वो जी सकता है, वो कितने दिन, 100 डे तक जी सकता है. इसका क्या है, ये लीस्ट चांसेस है. इससे लीस्ट चांसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं. ओके बच्चों, तो अब देखना, अब देखिए, अगर मैं आगे बात करूं, इन स्टैटिस्टिकल द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल नो वन कैन क्लासिफाई. किसी भी पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, क्लासिफाई नहीं किया जा सकता. नो वन कैन क्लासिफाई द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज ओनली गेसेस. पार्टिकल की जो पोजीशन है वो केवल गेस कर सकते हैं, एग्जैक्ट पोजीशन आप नहीं बता सकते. यही जो गेसेस है, चांस है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं. यहां पर देखिए, द प्रोबेबिलिटी और चांस ऑफ एनी इवेंट, किसी भी घटना की जो चांस है, प्रोबेबिलिटी है, इज यूज्ड फॉर बेटर गेसेस. आप कितना अच्छा, अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं, वही क्या है, चांस है, प्रोबेबिलिटी है, ये बेटर गेसेस होता है, कितना अच्छा आप गेस लगा सकते हैं. ठीक है ना. अगर आपको क्या है, कोई डाइस दे दिया जाए, अब आपको कह दिया जाए उछालिए और 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे, बस गेस लगाते हैं कि ये नंबर क्या करेगा, आउटकम होगा. बस क्या करते हैं, केवल बेटर गेसेस का गेस करते हैं, बस उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी और चांस कहते हैं. ओके बच्चों, तो आइए अब हम प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करते हैं. प्रोबेबिलिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं, तो देखिए, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ हैपनिंग इवेंट होने वाली जो घटना, हैपनिंग इवेंट टू द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, जितने नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे, इसको ऑल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ केसेस इन विच द इवेंट और फेनोमेना अकर्स टू टोटल नंबर ऑफ केसेस. तो कई टाइप से नंबर ऑफ फेवरेबल भी लिखते हैं लोग. ठीक, तो आइए, और इट इज डिनोटेड बाय पीए. पीई से भी लोग रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है, नोटेशन क्या लेते हैं आप. तो हम इसे मैथमेटिकली अगर लिखना चाहें तो PA will be equals to कितना हो जाएगा, PA will be equals to ये M by कितना, capital N होगा, और यहाँ मैं लिख दूँ M by कितना हो जाएगा, M plus कितना होगा, यह होगा हमारा probability का क्या होगा, फॉर्मूला हो जाएगा. ठीक है ना, where capital N क्या होगा, is the total number of events, यानी होने वाली घटना और नहीं होने वाली घटना का कॉम्बिनेशन है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स है. तो ये जो n will be equals to है m plus n, ये होने वाली घटना, ये नहीं होने वाली घटना, ये टोटल घटना हो जाएगी हमारी. तो यहां पर अगर मैं और देखूं तो
मैंने ये लिखा m प्लस n लिखा, तो ये क्या टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स है। तो यहाँ पर अगर मैं अगर m की बात करूं, m इज द टोटल नंबर ऑफ हैपनिंग इवेंट, हैपनिंग इवेंट। बच्चों बढ़िया देखना, ये हैपनिंग इवेंट्स, और n इज द टोटल नंबर ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट, नॉट हैपनिंग इवेंट्स। ये होने वाली घटना, ये नहीं होने वाली घटना, दोनों को सम कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हो जाएगा। तो अब यहां पर आप देखिए एक चीज और, इफ इवेंट ए नॉट हैपनिंग, नॉट हैपनिंग, देन इट्स प्रोबेबिलिटी p dash a will be equal to n by capital n। मैंने बताया था n not happening event है, n by capital n, तो इसको मैं लिख सकता हूँ n by m plus n हो जाएगा। और जो होने वाली घटना थी वो मैंने क्या लिखा था, होने वाली घटना की जो इवेंट था वो कितना था, तो मैंने उसको ये लिखा था m by m प्लस n लिखा, ये तो लिखा था ना। अब दोनों को मैं सम करूंगा, दोनों को अगर मैं सम कर दूं, देखिए एक तो ये है, ये होने वाली घटना की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना, ये नहीं होने वाली प्रोबेबिलिटी है। अगर मैं दोनों को सम करूं तो p डैश a प्लस p a विल बी इक्वल टू, देखो n बाई m प्लस n प्लस m बाई m प्लस n। तो इसे मैं सॉल्व करूं, n प्लस m बाई m प्लस n, ये कट जाएगी, यानी p डैश a प्लस p a विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आएगा, ये 1 आ जाएगा। यानी जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट होगा वो हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। बच्चों यानी जो सम ऑफ टू प्रोबेबिलिटीज होगा वो कितना आएगा, इक्वल टू 1। देखिए यहां मैं थोड़ा लैंग्वेज में लिखता हूं, तो देखना बच्चों, तो ये जो टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी आएगी, हमेशा 1 आएगी। इसका मतलब क्या, द सम ऑफ दीज टू प्रोबेबिलिटीज पी ए प्लस पी डैश ए इज ऑलवेज इक्वल टू 1, हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा, बिकॉज द इवेंट मस्ट आइदर हैपन और नॉट हैपन। क्योंकि भाई दो ही केस बनेगी, या तो घटना घटेगी या तो नहीं घटेगी, या तो घटना घटेगी या तो नहीं घटेगी, ठीक। इसे आप सीधा लिख लीजिएगा, पी ए प्लस पी डैश ए, ठीक। तो मैंने बताया ना यहां, बिकॉज द इवेंट मस्ट आइदर हैपन और नॉट हैपन, या तो घटेगी या तो नहीं घटेगी, सिंस ये जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट होगा ये क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, होने वाली घटना से, क्योंकि इसमें दोनों इन्वॉल्व है, होने वाली प्लस नहीं होने वाली, इसलिए जो टोटल नंबर है वो क्या हो जाएगा, होने वाली घटना से ग्रेटर है। एंड इसका मतलब ये है कि जो यम है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव मतलब होगी घटना, इसका मतलब ये क्या, पी ए इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, That is, PA is greater than or equal to zero. ठीक, तो ये बात हुई। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि बच्चों, यानी जो प्रोबेबिलिटी होगी दोनों का सम वो सदैव 1। बात समझ में आई बच्चों, बात समझ में आई रहा, अगर कोई
पॉइंट को टॉस किया जाए, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो पी ए, और जब हेड आएगा तो ऑब्वियसली टेल नहीं आएगा, इसका मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी है कितना होगा, ये हो जाएगा, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी 100% आ रही है और इसकी 0% टोटल कितना आया, 1, तो एक होगा एक नहीं होगा, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी, यानी जो हैपनिंग इवेंट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि वो हर हाल में होगी वो घटना। तो आइए हम कुछ टर्मिनोलॉजी ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, टर्मिनोलॉजी ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में इनको जोड़ना होगा। चलिए फिर से कनेक्ट करते हैं।